तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना ये 10 साल पुराना कंप्यूटर बहुत ही कम प्राइस में अपग्रेड करके दिखाऊंगा। ये सीपीयू मैंने 10 साल पहले लगभग 2010 के आसपास लिया था। इसमें आपका 1 GB रैम है जो कि DDR2 है और इंटेल का E5300 प्रोसेसर है जो कि 2.6 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर है जो कि बहुत ही स्लो है। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि मैंने ये 2 GB के दो स्टिक्स यानी कि 4 GB DDR2 800 MHz वाले रैम का स्टिक यूज़ करेंगे जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है, जो कि मैंने बहुत ही कम प्राइस में मंगाया है। और ये इंटेल का Q8300 जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि 2.5 GHz पर क्लॉक्ड है। हमें डुअल कोर के बदले क्वाड कोर प्रोसेसर लगाएंगे और 1 GB रैम के बदले 4 GB रैम स्टिक लगा देंगे, जिससे हमारा कंप्यूटर लगभग काफ़ी फास्ट हो जाएगा, जिसमें हम लगभग थोड़े मोटे अपना वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी प्ले आराम से कर सकते हैं, छोटा मोटा काम आराम से कर सकते हैं, छोटा मोटा गेम भी प्ले आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही हम इसे वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए एक TP-Link का वाईफाई कार्ड लगाएंगे, इसकी मदद से हम इसमें इंटरनेट एक्सेस भी बहुत ईजी ढंग से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस CPU का जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा 1 GB रैम है और Pentium डुअल कोर CPU है जो कि E5300 है जो कि 2.6 GHz पे क्लॉक्ड है। और इसमें मैंने विंडोज 7 64-bit वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। अब हम इसे अपग्रेड करते हैं। 1 GB के बदले 4 GB रैम लगा दूंगा और डुअल कोर के बदले क्वाड कोर प्रोसेसर लगा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो रैम और ये प्रोसेसर है हम इस CPU में इंस्टॉल करते हैं। तो फिर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक 1 GB रैम का सिंगल स्टिक लगा हुआ है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 GB DDR2 रैम है, इसके बदले हम इसे 4 GB रैम डुअल चैनल में लगाएंगे। ये 2 GB का दो रैम हम इसमें लगाएंगे जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये लग गया हमारा रैम, चलिए प्रोसेसर भी लगाते हैं। प्रोसेसर लगाना बहुत टफ नहीं है, इसे बहुत इजी ढंग से आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये जो पैच है इसे एंटी क्लॉकवाइज खोल लेना है और ये जो प्लास्टिक का नॉब है इसे ऊपर की तरफ पुल कर लेना है। इसे ऊपर की तरफ पुल करने से इसका हीट सिंक और ये जो फैन है ये निकल जाएगा और ये जो फैन का प्लग है ये भी हमें निकाल लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ईजी ढंग से ये फैन निकल चुका है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें जो जे टाइप का क्लिप होता है इस क्लिप को हम ऐसे प्रेस करके बाहर की तरफ टानेंगे, ये अपने आप निकल जाएगा। फिर जैसे कि अभी देख रहे हैं, ये इंटेल का E5300 प्रोसेसर है जो कि एक डुअल कोर प्रोसेसर है जो कि आउटडेटेड हो चुका है, ये काफ़ी स्लो भी है। इसके बदले हम ये वाला क्वाड कोर प्रोसेसर लगाएंगे जो कि Q8300 है जो कि उसके मुकाबले बहुत ही फास्ट है। इसमें आप थोड़ा मोड़ा गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। ये प्रोसेसर को हमने जैसे निकाला था वैसे लगा देना है। ये LGA775 सॉकेट है, यहाँ पर देखिए दो टो कट बना हुआ है, सेम दो टो कट यहाँ पर भी आपको बना हुआ होगा, उसी कट में आपको इसे इंस्टॉल कर देना है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये लग गया हमारा प्रोसेसर और ये हीट सिंक पेस्ट है, इसे हम थोड़ा सा प्रोसेसर के ऊपर लगा देंगे ताकि प्रोसेसर के साथ हीट सिंक का कनेक्टिविटी अच्छा रहे। बहुत लोग बोलते हैं ये जो थर्मल पेस्ट है इसे लगाने से CPU ठंडा करने में मदद करता है, जबकि इसका ठंडा करने का काम नहीं है। CPU भी मेटल का है और ये फैन भी मेटल का है, मेटल से मेटल कॉन्टैक्ट अच्छा हो पाए ताकि बीच में कोई तरह गैप नहीं हो पाए और हीट अच्छे से इसमें हीट सिंक में ट्रांसफर हो पाए, इसीलिए हम ये थर्मल पेस्ट लगाते हैं। ये लग गया हमारा प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये 1 GB रैम के बदले 4 GB रैम लगा दिया है और एक ये डुअल कोर प्रोसेसर के बदले क्वाड कोर प्रोसेसर लगा दिया है। अब मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे, इंटेल कोर टू क्वाड CPU Q8300 2.5 GHz एंड 4 GB रैम एंड 64-bit विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप ये 2 GB की रैम को जो स्टिक है ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे और इस तरह के जो डुअल कोर क्वाड के प्रोसेसर आते हैं वो भी आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम अपने कंप्यूटर को बहुत कम प्राइस में एक मीडियम क्वालिटी का गेम खेलने के लिए या फिर हल्का फुल्का गेम खेलने के लिए या फिर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखने के लिए बहुत ही कम प्राइस में अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको PC को अपग्रेड करने के पहले का परफॉर्मेंस और PC को अपग्रेड करने के बाद का परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा PC का परफॉर्मेंस कितना बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में PC को अपग्रेड करने के पहले
और राइट साइड में पीसी को अपग्रेड करने के बाद का प्रोसेसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीसी को अपग्रेड करने के पहले जो पीसी का रैम था वो लगभग 87% कंज्यूम हो चुका था और प्रोसेसर 100% पर था, पर पीसी को अपग्रेड करने के बाद रैम 40% और प्रोसेसर 90% के आसपास स्टेबल था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीसी को अपग्रेड करने के बाद हमारा लगभग 3 मिनट 6 सेकंड में ये वीडियो एडिट हो चुका है, जो कि 2 मिनट का वीडियो था, और वही 2 मिनट का सेम वीडियो पीसी को अपग्रेड करने के पहले अभी भी प्रोसेस में चल ही रहा है। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लगभग 5 मिनट 49 सेकंड का समय लगा है, जो कि बहुत ज्यादा है। पीसी को अपग्रेड करने के पहले जो कि डुअल कोर 1 GB रैम था उसमें हमारा 5 मिनट 49 सेकंड यानी कि लगभग 6 मिनट, और पीसी को अपग्रेड करने के बाद 3 मिनट 6 सेकंड यानी कि लगभग 3 मिनट, मतलब पूरे डबल का अंतर है। तो फ्रेंड होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगली वीडियो में हम और कुछ चीज लेके आएंगे। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना।